बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टुडे। मैं अभी जा रहा हूँ रेजीनगर इंदादुल के पास। पता नहीं वो मुझे अचानक क्यों बुलाया, और उधर दो चार फ्रेंड और है, बोला कि कुछ स्पेशल है आ जाओ, तो मैं नहा धो के निकल गया। देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। एंड गाइज, मेरा तो आज रेजीनगर जाने की बात नहीं हुई थी। मैं पिछले व्लॉग में बोला था कि संडे में कुछ धमाल करने का प्लान है, तो वो धमाल हो नहीं सका क्योंकि बहुत ही सर्दी लगी हुई है मुझे। एंड अगर मैं राइडिंग गियर पहन, जितना भी राइडिंग गियर पहनूं, तो वो काफ़ी नहीं होगा मेरे लिए, मतलब सर्दी और भी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं रिस्क नहीं लिया। तो धमाल और भी होगा, धमाल होंगे, फिर भी आगे होगा धमाल। एंड चलो देखते हैं आज क्या स्पेशल है। इंदादुल ने बोला तो है कि आ जाओ, फिर देखते हैं जाके क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप मुझे प्यार दिया, मतलब पिछले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच एंड स्पेशली थैंक्स टू शफीक एंड इंदादुल। मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त लोग मुझे इतना चाहते हैं। आज देखा कि मेरा वीडियो का जो लिंक है वो अपने खुद के स्टेटस पे लगा है, तो थैंक यू यार, थैंक यू शफीक एंड इंदादुल वंस अगेन। एंड आप लोगों ऐसे ही प्यार मुझे देते रहना, थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो मैं जा रहा हूँ अभी, तो आप थोड़ा ये रोड इंजॉय करो। अभी बताने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे दिलवार मिलने वाला है, मतलब उसका नाम भी दिलवार है, मेरा फ्रेंड, तो वो काशीपुर का रहने वाला है, तो मैं उसको काशीपुर में जाके मिलूंगा और दिलवार को लेकर मैं रेजीनगर जाऊंगा। रेजीनगर से टॉमस भी आएगा उधर, टॉमस जो कि DTV राइडर बाय DTV, उसका चैनल भी है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एंड उसके बाद निकल जाएंगे पलाशी में, तो देखते हैं चलो क्या स्पेशल बनाया है इंदादुल। तो आप थोड़ा रोड इंजॉय करो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. रेस्टोरेंट हो रहा है गाइस, ये देखो द यूनिक रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट वहाँ है। मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है वहाँ जाने का, मतलब वो इनॉग्रेशन कब होगा पता नहीं, तो जब भी होगा इनॉग्रेशन आएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसा रेस्टोरेंट है और कैसा टेस्ट है। ये रोड तो गाइस बढ़िया है, मतलब भगा सकते हो अपने बाइक निश्चिंत, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है गाइस इधर। वो ये क्या है भाई, व्हाट आई सी, लुकिंग अबाउट, देख रहे हो भाई क्या चीज़ है ये, व्हाट इज दिस मैन, स्नेक, इतना बड़ा मैं कभी नहीं देखा, इतना बड़ा मैन, मुझे तो मैं तो बहुत ही डर गया। तो ये सब होता रहता है रोड पर, चलो कोई नहीं। ये देखो स्पीड ब्रेकर, मतलब एक होता तो सही है, कितने सारे स्पीड ब्रेकर है, मतलब अगर ऊपर से जाओ तो आपका बॉडी मसाज हो जाएगा फ्री में।
आगे हम शर्वंगपुर पेट्रोल पंप, मुझे फ्यूल भी डलवाना है, फ्यूल ख़त्म होने वाला है मेरा, लेकिन यहाँ नहीं डलवाऊँगा। यहाँ मुझे लगता है कि ये पेट्रोल ठीक ठाक नहीं है इसका, तो आगे जाकर रजीनगर या पलाशी में डालूँगा फ्यूल। चलते हैं गाइस। Around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on मैं अभी आ गया हूँ कशीपुर में, तो शायद मुझे इधर ही कहीं मिल जाएगा दिलवर, देखते हैं कहाँ मिलता है। शायद रोड पे खड़े हो। दिलवर ने मुझे कहा तो एक बार था कि वो स्टेट बैंक के सामने ही है, उसका बाइक इधर पार्क किया हुआ लग रहा है, पता नहीं वो बाइक किसकी है। आई होप कि वो रेडी हो दिलवर, मतलब उसके लिए अलग से रुकना ना पड़े, तो फिर सब कुछ ही अच्छा रहेगा। मैं तो इस बैग क्रॉस करके आ गया लगता है। कहाँ है फिर, एक मिनट कॉल कर लेता हूँ। तुम कहाँ हो भाई? मैं तो आ गया इधर, ये जो सामने मतलब क्या है मोटर बाइक गैरेज है वहाँ पर हूँ मैं, मतलब बैंक क्रॉस करके मैं आ गया। शायद वो पीछे रह गया, मैं छोड़ के चला है उसको, फिर जाके देखते हैं। चलो वो रहा, हाँ वही उसका बाइक है, मैंने देखा अभी ये बाइक क्रॉस किया मैंने। हमें आखो नहीं गलम एखन देखे बाइक तो एखे देख लम तेल अन्न बाइक है तो चलो। चलो जाके वो क्या करते हैं एंड क्या प्लान बनाया उसने, चलो देखते हैं। चलो रेडी। सो गाइस हम लोग निकल गए इंद्रदुल के घर से, अभी जा रहा हूँ रजीनगर में, यामा शोरूम है उधर, टॉमस है वेट कर रहा है हमारा, तो टॉमस को लेकर जाने का प्रोग्राम है पलाशी, और क्या प्रोग्राम रहे अभी भी नहीं पता, तो उधर जाके ही पता चलेगा। तो चलो देखते हैं क्या प्रोग्राम रखा है इंद्रदुल ने। हम लोग नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं और आगे ही है यामा शोरूम, वहाँ टॉमस है, देखते हैं बेचारा अकेला अकेला क्या कर रहा है।
गाइज हम लोग ले लिया टॉमस को और निकल गए रजनगर के शोरूम से, अभी जा रहे हैं पलाशी। तो चलो भगाते हैं थोड़ा बाइक को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोनूमेंट पे, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा फोटोशूट करेंगे उधर। ये रहा पलासी गेट, as you can clearly see। गाइस ये रोड देखो आप, कितना सुंदर रोड है, दोनों तरफ रोड के पेड़ है, बहुत ही अच्छा व्यू है इधर, फोटोशूट के लिए परफेक्ट जगह है। देखिए कितना सुंदर रोड है। इधर रुकने को दिल कर रहा है लेकिन नहीं, मुझे आगे जाना है और आगे सभी ग्रुप के राइडर, बाकी राइडर फोटोशूट करेंगे इधर मोनूमेंट में। तो चलो देखते हैं, फोटोशूट करते उधर जाके। ये रहा हमारा मोनूमेंट पार्क, जो कि अभी तो बंद है, पता नहीं खुलेगा कि नहीं, अंदर जाने देगा कि नहीं पता नहीं, ये COVID-19 के लिए बंद है। सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए मोनूमेंट के अंदर, मतलब मोनूमेंट के पार्क है। तो हमारा जितने सारे राइडर है सबको इंट्रो करता हूँ। भाई खोलो ये थोड़ा दिखाओ, ये है भाई राइडर बॉय DTP। इसको पहचान, अलग से पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, सर्च करो राइडर बॉय DTP तो पहचान जाओगे। और ये रहा मेरा मिति दिलवर, इधर देख लो भाई, हाय, सब फोटो खिंचवाने दीजिए। ये है नजमुल दा, हाय, एंड ये इमदादुल जिसके बात मैं कर रहा था। और ये है भाई हमारा क्यूट सा रोमांटिक हीरो रियाज। तो चलो एंजॉय करो, फोटोशूट करो सब। तो गाइस हम लोग आ चुके, मतलब निकलवा दिया गया अंदर से, ये पहले बंद था, मतलब हम लोगों के बोलने की वजह से खोला, हमने कहा कि थोड़ी देर खुली है फ़ोटोशूट करना है इसके लिए खोला, अदरवाइज़ ये बंद है अभी COVID-19 के जो कारण है इसलिए बंद है। तो चलो गाइस हम लोग फ़ोटोशूट वगैरह कर लिए, तो अभी हम निकल जाएंगे, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है जाने के, जहाँ जाने के लिए आए हैं वहाँ निकल जाएंगे। चलो गाइस, तो चलो गाइस फोटोशूट वगैरह सब कुछ हो गया, अभी हम निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हे गाइस, हम लोग आ गए फाइनली वहाँ पर जहाँ पर इमदादुल हमें लेके आना चाहता था। तो अब देखो लेके आया। इमदादुल का खोया हुआ गर्लफ्रेंड मिल गया उसे, तो इसीलिए वो पार्टी दे रहे हैं, बिरयानी पार्टी, ठीक है ना। कौन सा गर्लफ्रेंड भाई? वो जो क्या कहते हैं वो जगह का नाम क्या है, रिया? कौन सा रिया? जीवंती वाला वो जो गर्लफ्रेंड। नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला अभी, नहीं मिला। पार्टी किस लिए दे रहे हो? पार्टी तो तुम दे रहे हो। नहीं भाई ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, पार्टी तुम दे रहे हो, ठीक है? पार्टी तुम दे रहे हो। चलो ओके गाइस, मैं खाना खाने के बाद मिलता हूं, ठीक है? सो हे गाइस वेलकम बैक, हमारा खाना वाना सब हो गया है, बिरयानी खा लिया हम लोगों ने, और अभी निकल जाएंगे यहाँ से। एंड मेरे एक्शन कैमरे में चार्ज भी नहीं है और ब्लॉग करने के लिए, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गए बाय का, बाय बाय, चलो बाय। Till I get up, time is better.
side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. আমি এখনই গেলাম এখান থেকে, এই বাইকটা এখানে দেখলাম, তাহলে এটা অন্য কোন বাইক হয়তো। চলো